तो आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ स्टार क्यू डब्ल्यू थ्री ए का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ, और ये सिर्फ जो है मेरे को 5000 रुपीज़ में पड़ा है। सो इसका जो है प्रूफ मैं आपको वीडियो में दूंगा, और साथ ही साथ आपको जो है ट्रिक बताऊंगा कि मैंने ये कहाँ से लिया है, वो भी इतना सस्ता, अमेजोन वगैरह पर ये इतना सस्ता नहीं मिलता है। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इस टाइप का कुछ पैकेजिंग जो है हमें मिली है स्टार क्यू डब्ल्यू थ्री ए जो प्रेशर वॉशर है, काफ़ी मेरे को अच्छा जो है बॉक्स इनका लगा है, कहीं पे भी डैमेज वगैरह नहीं है, शिपमेंट भी अच्छी तरह से होगी है इनकी। और अब जो है हम इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे ऊपर जो है हमें इनका कार्ड मिलता है, जहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और अदर जो है वेबसाइट वगैरह की जीमेल वगैरह जो है डिटेल लिखी हुई है। देन उसके बाद एक थैंक यू कार्ड जो है हमें मिलता है। देन इसके बाद जो है हमें गन मिलती है हमारी, जो कि प्रेशर वॉशर की जो गन है, और यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है ठीक ठाक ही लग रही है। देन उसके बाद जो है हमें एक जो एक कनेक्टर मिलता है, जहाँ से जो है इनलेट मतलब पानी जो है अंदर जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर जो है एक फ़िल्टर भी है। ये काफ़ी अच्छा मेरे को स्टेप लगा इनकी तरफ से कि यहाँ पे भी एक फ़िल्टर है, और कोई भी जो है अब गंद वगैरह जाने की जो है मतलब टेंशन नहीं होगी हमारी मोटर में, और हमारी मोटर जो है कम से कम जो है ख़राब होने का चांस होगा उसका। देन उसके बाद जो है एक सोप डिस्पेंसर हमें मिलता है। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार है, आगे वीडियो में देख लेना, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। सो ये तो बेकार चीज़ है बिल्कुल। देन उसके बाद जो है इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप का जो है फ़िल्टर है, और फिर आउटलेट पाइप है जहाँ से हमारा प्रेशर जाएगा। सो जो ये इनलेट और आउटलेट पाइप है, ये दोनों की जो क्वालिटी है मेरे को A1 लगी है, क्योंकि जो है ये मतलब जहाँ से पानी अंदर आएगा इनलेट जो पाइप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल की है, और ये दब नहीं रही है, कहीं से बैंड नहीं होती है। सो यहाँ पे अब जो है हमारी मेन मशीन है इसके नीचे, और यहाँ पे जो है थर्मोकोल वगैरह सारा टूट चुका है। सो ये हमारी नई मशीन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। सो अभी एक चीज़ जो है मेरे को मिली नहीं है बॉक्स में, वो है प्रेशर गेज। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, और इन्होंने मेरे को ये बताया है कि जो है प्रेशर गेज वगैरह जो है अब हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कस्टमर से जो है लगाने में इनमें गलती हो जाती है, और फिर वहाँ से पानी वगैरह लीक होता रहता है। और मेरे जो है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि विदाउट प्रेशर गेज है, सो मेरे को ये याद नहीं था ना, मैंने ढंग से पढ़ा है, सो ये मेरी गलती है। सो प्रेशर गेज की विदाउट है, और फिर भी ठीक है, क्योंकि प्रेशर गेज का हमारा इतना यूज़ नहीं होता है, जो भी मेन चीज़ें हैं यूज़ करने वाली वो हमें सब मिल चुकी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मशीन जो है मैंने कहाँ से ली है। सो ये मशीन जो है मैंने स्टार क्यू की ऑफिशियल साइट से ली है, जो कि starq.in है, और वहाँ पे मेरे को ये सिर्फ 5000 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि अमेज़ोन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिसेंटली अभी जो प्राइस चल रहा है अमेज़ोन पे वो चल रहा है 6500। सो यहाँ पे आप सीधा सीधा जो है 1500 रुपये बचा लेते हैं, और 1500 रुपये में जो है आप एक फ़ोम लेंस ले सकते हैं, जिससे आप स्नो फोम मतलब स्नो वॉश भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी। सो आप वहाँ से पैसे बचा सकते हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है स्टार क्यू वालों की, मैंने खुद पैसे दे के ही ये मशीन ली हुई है। सो आपको भी मैं प्रेफर करूँगा कि आप इनकी साइट से लें अगर आप थोड़े पैसे बचाने चाहते हैं। और इनकी अगर रिटर्न पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपको रिटर्न का अगर कोई डाउट होगा तो, सो इन्होंने यहाँ पे अपनी साइट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाता है, सो आप जो है उनकी मतलब फ़ोटो वगैरह खींच के जो है आप इनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और ये फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर देंगे। सो वैसे भी डरने वाली बात नहीं है, और इनकी कस्टमर सपोर्ट एक बात मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनको मैंने काफ़ी बार पूछा, इनको काफ़ी बार मेल भी किया, तो इन्होंने तभी के तभी जो है मेरे को आंसर उसका दिया है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है स्टार क्यू डब्ल्यू थ्री ए ही क्यों प्रेफर किया। W4 भी जो है वो भी मेरे को मिल रहा था इनकी साइट पे, और उसमें सिर्फ 500 रुपये का जो फ़र्क था। सो मेनली जो है इन दोनों का जो है प्रेशर जो है 120 bar ही था, और जो है मोटर भी मेरे को एक टाइप की लगी, और जो है लीटर्स पर मिनट भी सेम ही था। सो वो थोड़ी हैवी क्वालिटी थी, मतलब प्रोफेशनल थी, ये थोड़ा मतलब होम यूज़ के लिए है स्पेशली ये। सो ये मैंने तो लिया क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो ऑयल चेंज करने के लिए हमारे को प्लग मिला है, और W4 में जो है ऑयल चेंज का कोई भी प्लग नहीं है, ड्रेनेज प्लग नहीं है।
सो यहाँ पे इसकी वजह से मैंने ये ली है कि फ्यूचर में जो है हमें अगर ऑयल इसका चेंज करना पड़ेगा भी सो वो मैं इजीली कर पाऊँ, इसकी सर्विसिंग वगैरह भी इजीली हो जाए। सो उसमें नहीं हो सकता ये काम क्योंकि उसमें जो है कोई भी ड्रेनेज मतलब प्लग नहीं है और हमें सारी मोटर खोलनी पड़ेगी उसके लिए अगर हमें ऑयल चेंज करना होगा। सो तो मैंने इसको लिया है। सो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ आप इसको असेंबल कैसे करना है। सो यहाँ पे जो है हमारा इनलेट जो है अडेप्टर है वो हमें लगाना है। सो ये जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जो है आउटलेट वाली साइड इसमें लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जो है डिफरेंट साइज है। सो आपको ये है एक ही साइड लगेगा। सो यहाँ पे आपको इसको लगा देना है। देन उसके बाद जो है हमारा अडेप्टर जो था ये येलो कलर का जो कि हमारे इनलेट पाइप के साथ था, सो उसको जो है मतलब पीछे खींचना है और उसके बाद जो है इसको फोर्स करना है अडेप्टर की तरफ। ज़्यादा भी जो है अडेप्टर की तरफ फोर्स नहीं करना क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ये अगर मेटल क्वालिटी होती तो अच्छा रहता हमारा, पर नहीं करना है। देन उसके बाद जो है टिक की आ जाएगी जिससे जो है ये लॉक हो जाएगा अपनी जगह, और उसके जो है एंड में जो है हमारा फिल्टर लगा लेना है। दूसरी साइड चले तो हमें जो है हमारा ये जो आउटलेट पाइप है उसका जो है ये थ्रेड वाला जो पोर्शन है इसको पीछे करके जो है हमें जो ओरिंग वगैरह है वो फिट कर लेनी है, इसके अंदर जो है धकेल देनी है अच्छी तरह से और उसके बाद जो है थ्रेड लगा देने हैं। देन दूसरी साइड भी यही करना है, सेम प्रोसेस है। सो यहाँ पे जो है गन में मेरे को एक कमी लगी है, ये जो है एलुमिनियम मटेरियल है और मैं जो है बार बार अगर ये चढ़ नहीं रहा था मेरे से शुरू में, सो अगर मैंने इसको दो तीन बार जो चढ़ाने की जोर लगाने की मतलब कोशिश की है तो एलुमिनियम जो है मतलब वो कट होने स्टार्ट हो गया था। सो ये जो है मेरे को इसका ड्रॉबैक लगा है। यहाँ पे अगर कॉपर वगैरह या किसी और भी मटेरियल को यूज़ करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता हमारा, पर ये जो है एलुमिनियम तो फिर ये जो है सॉफ्ट मेटल होता है सो ये कट भी होना स्टार्ट हो गया था जल्दी। सो इसको जो है बार बार आप चढ़ाएं उतराएं नहीं, एक ही बार अगर आपने चढ़ा दिया है तो इसको फिर लगे रहने दें। सो यहाँ पे जो है मैंने सेटअप जो है पूरा तैयार कर लिया है अपना, और जो है पावर भी इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी जोड़ दिया है, और अब जो है इसका प्रेशर हम चेक करेंगे। सो प्रेशर चेक करने से पहले जो है यहाँ पे जो है हमारी टियागो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है ये। सो काफ़ी ज़्यादा अभी गंदी भी नहीं है पर मैं आपको इसमें टेस्ट करके दिखा दूँगा कि इसका कैसा जो है हमारा रिजल्ट रहा है मोटर का। सो पहले जो है आपको जो है ये आगे का जो है एडजस्टर जो है जिससे जो है हम स्प्रे पैटर्न जो है एडजस्ट करते हैं उसको हटा के जो है हर टाइप का जो है एयर बबल वगैरह मतलब जो है एयर नहीं रहनी चाहिए हमारे फिल्टर में मतलब मोटर में। सो पूरा जो है वाटर सर्कुलेट कर लेंगे जिससे जो है पाइप जो है भर जाएगी वाटर से। सो वैसे कर लेना है आपको। देन उसके बाद जो है आपको जो है ये अपना एडजस्टर लगाना है। सो बिना एडजस्टर के जो है यहाँ पे कोई भी प्रेशर मेरे को लगा नहीं है, ये जो है नॉर्मल मोटर जैसा ही ये प्रेशर मतलब इतना प्रेशर तो हमारे नल में भी आ जाता है, पता नहीं क्या बात है, और जब हम इस एडजस्टर को लगा देते हैं तब असली प्रेशर का पता लगता है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको नोज़ल को कि आपको जो है वाइड स्प्रेड चाहिए या फिर बिल्कुल पॉइंटेड स्प्रेड चाहिए। सो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करते हैं। सो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। और अब जो है हम इसका प्रेशर चेक करेंगे। सो प्रेशर जो है काफ़ी दमदार प्रेशर है, काफ़ी धमाकेदार जो है मेरे को मोटर लगी है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है इसका कि हर टाइप की जो धूल मिट्टी जो है ये साफ़ कर सकता है ईज़िली, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इसका, मतलब गाइस मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना ज़्यादा जो है इसका जो है प्रेशर है। सो ये जो है बेसिकली धक्का भी दे रही है, मतलब जब मैं इसको जो है पॉइंटेड जो कर दे रहा हूँ तो ये जो है बैक प्रेशर में मार रही है, इतना ज़्यादा इसका प्रेशर है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, प्रेशर में कोई कमी नहीं लगी मेरे को, काफ़ी अच्छा जो है इसका प्रेशर मेरे को लगा है। अब मैं जो हूँ आपको इसके थोड़े मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देता हूँ। सो इसका जो है वर्किंग प्रेशर जो है वो 120 बार्स है जो कि W4 के बराबर ही है, और इसका मैक्सिमम प्रेशर जो है 150 बार्स है, वो पता नहीं कब होता है, मेरे को ये पता नहीं है कि ये कैसे कर सकते हैं 150 बार्स तक। सो इसका जो है फ्लो रेट जो है मतलब ये कितना जो है पानी फेंक सकता है, सो लीटर पर मिनट है ये, सो 20 लीटर एक मिनट में ये फेंक सकता है पानी, और
यहाँ पे जो इसकी जो होज मतलब आउटलेट पाइप है वो 5 मीटर की आउटलेट पाइप आती है इसमें। सो ये मशीन जो है ये 1800 वोल्ट की मशीन है, मतलब जो इसमें मोटर लगी है वो 1800 वोल्ट की है, और काफ़ी सेटिस्फाइंग जो है इसका प्रेशर आ रहा है। सो यही थी इसकी कुछ मेन फीचर, हाइलाइटेड फीचर्स। सो अभी मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, एक बार मैंने अब फिर से इनकी जो साइट चेक की है, सो इसमें जो अब प्राइस बढ़ गया है जो है 5800 हो गया है। सो भाई प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता रहता है इनका, सो आप जो है चेक कर सकते हैं अमेज़ोन और इसके साइट के बीच में, और जो मतलब आपको सस्ता पड़े वहाँ से ले सकते हैं आप। और अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मत करिएगा कि भाई प्राइस बढ़ गया, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो प्रेशर आ रहा है हमारा, और अगर मैं इसकी मोटर की नॉइस की बात करूँ सो बिल्कुल ही साइलेंट मोटर है ये, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि मोटर मतलब चल रही है, बिल्कुल साइलेंट जो वर्किंग है इसकी, और काफ़ी अच्छा प्रेशर ये दे रहा है साइलेंट वर्किंग में। और पीछे जो है फ़ैन भी लगा हुआ है वो भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। सो यहाँ पर मैं जो आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो ये रिकॉर्ड करने के वक्त जो वीडियो के, तो मैं तो शुरू में थोड़ा एक्साइटेड भी था, सो थोड़ी देर तो मैंने ऐसे वैसे यहाँ वहाँ भी चलाई ये मतलब गन। सो मैंने वीडियो में जो है टियागो को धोया है, साथ ही साथ मैंने जब ऑफ कैमरा जो है स्विफ्ट भी धोई है इसके साथ। सो ये जो है थोड़ा ओवरहीट हो गई थी, और एक अच्छी बात मेरे को ये लगी है, जब ये ओवरहीट हो गई थी सो ये जो है अपने आप ही बंद होगी, और मैं टेंशन में आ गया था कि ये बंद क्यों हो गई, ख़राब हो गया या ऐसे वैसे, पर कोई बंद ने मतलब कि ख़राब खरूब नहीं हुई थी। सो ओवरहीट करने की वजह से ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होगी थी, और अगले दिन ये फिर से जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। सो ये अगर आप चलाना चाहें इसको तो मतलब 1 घंटा से ऊपर ना चलाएं इसको लगातार, मेरे ख्याल मेरे को 40-45 मिनट्स हो गए थे इसको लगातार चलाते हुए, सो तब मेरे साथ ये इशू आई है, बाकी तो ये मोटर बहुत ही अच्छी है। सो अब इसके साथ जो सोप डिस्पेंसर आया है उसकी बात कर लेते हैं। सो सोप डिस्पेंसर है ये बेसिकली, और यहाँ पे मैं जो हूँ इसमें सोप डाल देता हूँ जो कि शैम्पू है हमारा वैक्स पूल का, और ये ज़्यादा मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रखा है, और यहाँ पे मैंने इसमें अब गन पे लगा दिया है इसको, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है पानी और शैम्पू मिक्स करके फेंक रहा है, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है मेरे ख्याल से। तो इससे अच्छा तो आप जो मेरे चैनल पे एक वीडियो आगी आई बटन में भी आ रही होगी, DIY जो है फोम कैनन बना सकते हैं आप जो गार्डन स्प्रेयर होता है उससे। और अगर आपको जो इस मशीन की जो फोम लेंस की परफॉर्मेंस देखनी है तो वो वीडियो भी अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद। सो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और अब कंक्लूजन की बात करता हूँ कि ये मशीन कैसी है। सो मशीन जो है वो A1 क्वालिटी की है, इसकी जो गन की जो प्लास्टिक की मटेरियल क्वालिटी जो लगी वो मेरे को थोड़ी सी जो है चीप क्वालिटी की लगी है, बाकी जो होज वगैरह है या फिल्टर वगैरह है या आउटलेट इनलेट पाइप जो है वो सभी जो है A1 क्वालिटी के हैं, और 5000 रुपये के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है मशीन है ये। सो अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट पर भी चेक करना है सो वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फोम लेंस वाली वीडियो देखने के लिए। सो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।